जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको बताने वाली हूं आपका मासिक राशिफल यानी कि मंथली हॉरोस्कोप। बताऊंगी आपको कि कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या कुछ उपाय करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियों का हल निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए और जुड़िए जाने माने ज्योतिषों से और जानिए अपने जीवन की हर समस्या का समाधान। वार्ता.astrosage.com पर आकर आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने जीवन की हर समस्या का हल। जी हाँ, बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आप जान सकते हैं अपने करियर के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो शायद आप और हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की तमाम परेशानियों का हल जानने के लिए हमारे जाने माने और विद्वान ज्योतिषियों से आप संपर्क कीजिए वार्ता.astrosage.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक हमने आपके लिए उपलब्ध किया हुआ है, साथ ही साथ आप ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से। फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ आपका भविष्य, आपका समय कैसा जाएगा साल 2021 के चौथे महीने यानी कि साल 2021 का अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है और इसके साथ ही साथ क्या उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों और बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जो लोग होते हैं वो जीवन में अपनी कुशल क्षमता और व्यवहार जो होता है उनका, उसकी जो कुशलता होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर होते हैं। आप उच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं क्योंकि जीवन में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने की आपके अंदर खूबी है। आप सौंदर्य को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और खुद भी सुंदर सज धज के रहना पसंद करते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें आपके पास होती हैं, जो आपके अगल बगल का माहौल होता है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना के रखते हैं। तो अप्रैल का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर के लिहाज से। तो तुला राशि वाले जातकों का करियर का जो करियर के लिहाज से जो अप्रैल का महीना है वो कैसा रहने वाला है बताएंगे। सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि यदि करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, चूँकि दशम भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब है उस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और कठिन मेहनत कर आप आगे बढ़ेंगे और आपको ऐसा करना पसंद भी है और इसी का ये नतीजा है कि आपका कठिन परिश्रम आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आएगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर से ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी, यहाँ नौकरी आप हो सकता है बदलना चाहें, आपको एक नई सफलता मिले तो आप अपनी नई उड़ान की तरफ मूव कर जाएंगे। इस समय आपका जो काम है उसे आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, अपने काम को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। महीने की शुरुआत बेहद कमज़ोर होगी लेकिन आप जो भी निवेश या काम शुरू कर रहे हैं उसे भी अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे। ये मैं व्यापार वालों के लिए बता रही हूँ कि जो महीने की शुरुआत है वो थोड़ी सी धीमी हो सकती है लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए भी अच्छा होगा। फिलहाल अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो क्या करें, अभी के लिए यानी कि इस हफ्ते के लिए अप्रैल का जो फर्स्ट वो है वीक उसमें आप रुकिए। मंगल के 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और जिसके बाद आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है वो भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेगा। तो शुरू का 15 दिन का जो वक्त है उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के फैसला लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शिक्षा की। तो अगर विद्यार्थियों की नज़र से देखा जाए तो पढ़ाई में उनका मन इस वक्त कम लगने वाला है, थोड़ा इधर उधर भटकने वाला है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि बोर्ड्स सर पर है और बोर्ड्स के एग्जाम्स के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस बार पूरे साल कोरोना काल के चलते आपको बहुत परेशानी हुई है, ऑनलाइन क्लासेस की हुई हैं तो ऑलरेडी आपका मन बहुत ज़्यादा भटक चुका है, इसलिए अब आपको अपने मन को भटकाना बिल्कुल भी नहीं है, कंसंट्रेट करना है और कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे ऐसे योग बन रहे हैं, तो इसके लिए आप योग प्राणायाम को भी अपने जीवन में थोड़ा सा समय दें।
जैसे कि 6 तारीख को बृहस्पति आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, मानसिक रूप से आपका बदलाव आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। आपका जो झुकाव है वो पढ़ाई की ओर चला जाएगा और गंभीरता के साथ आप पढ़ाई फिर से शुरू कर देंगे और इसका परिणाम क्या होगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा आपको, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो महीने की शुरुआत इसके लिए बहुत अच्छी है। शुरुआती समय में आपकी मेहनत सफल होने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको 16 अप्रैल के बाद बुध के राशि परिवर्तन के बाद हो सकता है कि सफलता मिल जाए। पारिवारिक जीवन की अब बात कर लेते हैं। आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में केतु ग्रह विराजमान हो जाएगा। चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति रहेंगे। इससे परिवार में सुख सुविधाओं को लेकर के कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। आपसी मतभेद आपका बढ़ सकता है और एक दूसरे की समझ से ना चलने के कारण हो सकता है आपके दोनों लोगों के बीच जो है वो बात बिगड़ जाए। शनि और बृहस्पति के चतुर्थ भाव में होने से आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे। परिवार की जो सामाजिक छवि है इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आपका जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आप अपने प्रियतम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे प्लान करने वाले हैं और इस बार जो है उनसे ढेर सारी बातें भी करेंगे। कुछ अवरोध हो सकता है आप दोनों की ज़्यादा बातचीत की वजह से दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो, लेकिन आपकी जो दूरदृष्टि है वो इस समय जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप अपने प्रियतम के साथ यानी कि आप अपने प्रेमी के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर बात विवाहित जातकों की कर ली जाए तो उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ होने से ससुराल पक्ष से थोड़ी सी नोकझोंक या झगड़े होने की संभावनाएं बना रहा है ऐसा योग और हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ पर भी इफेक्ट करे। साथ ही साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है तो मानसिक टेंशन भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर संयम रख कर आगे चलने की जरूरत है। अब बात कर लेंगे आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन। दूसरे भाव में केतु, छठे भाव में शुक्र, सूर्य और बुध, इसके साथ साथ अष्टम भाव में राहु और मंगल की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिणाम देने वाली साबित होगी। आपको धन का निवेश करने से पूर्व भी सोचना होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। इस समय में आपके जो खर्चे हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, लेकिन आपको करना है। 6 अप्रैल से बृहस्पति के एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी और ऐसे संकेत आपको मिलने लगेंगे कि अब आपकी आर्थिक जो हालत है वो दिन ब दिन सुधर रही है। 14 अप्रैल को मंगल के एकादश भाव में आ जाने से आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी भी हो जाएगी और आपको ये ध्यान रखना होगा कि भले आपकी स्थिति में पहले से अब सुधार है, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ क्या करना है, कुछ भी आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसको एक बजट प्लान के साथ चलाना है। इसके अलावा खर्चों पर कंट्रोल करने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक अमाउंट फिक्स करके रखना है ताकि आने वाली ऐसी परिस्थितियों में आपको परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो महीने का जो शुरुआती हिस्सा है यानी कि जो शुरुआत के 15 दिन है वो आपके लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सही दिनचर्या का पालन करना है, समय पर सोएं, समय पर उठें, प्रॉपर आपका ब्रेकफास्ट डिनर लंच आपको टाइम टाइम पर लेना है और हाँ, मोबाइल टीवी स्मार्टफोन इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, जितनी संभव हो उतनी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आजकल तो हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी लाइफ का ये एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि रात में सोते समय टाइम पर सो जाएं, अपने मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। किसी तरह की चोट या दुर्घटना या फिर सर्जरी भी आप हो सकती है आपकी, ऐसे योग बन रहा है, इसलिए बेहद सावधानी के साथ रहें। गाड़ी चलाते वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उसके बाद महीने का जो आखिर का 15 दिन है उसमें आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं। आपकी स्वास्थ्य की जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी फिक्स हो गई हैं, अब बिल्कुल आप प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आपको क्या करना है, अप्रैल में बस शुरुआत के 15 दिन थोड़ा सा सावधानी बरतना है, उसके बाद खुद ब खुद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका महीना जो है अंत का वो
बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उपाय के तौर पे क्या करना है अब ये जान लेते हैं। तो आपको शनिवार के दिन महाराजा दशरथ कृत शनि श्रोत का पाठ करना है। उसके साथ ही साथ दिव्यांग लोगों को आप भोजन कराइए। अगर आप दिव्यांग लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को भी भोजन कराइए। भोजन कराने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों का अंत हो सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। साथ ही साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद हम जो भी आपके लिए, आपके जो है खुशहाल जीवन के लिए तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, मैं, मेरे सहयोगी, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। आपको टाइम टाइम पर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और उन नोटिफिकेशन के ज़रिए आप अपने जीवन की जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके, यानी कि वार्ता.astrosage.com पर क्लिक करके आप जाने माने विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी उसका समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं दोस्तों, जो हम एक खुले तौर पर नहीं बात कर सकते हैं, तो आपके लिए सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लेकर आए हैं वार्ता.astrosage.com। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक है, इसके साथ साथ आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं आप और वार्ता के जरिए जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज के तमाम विद्वान ज्योतिषियों से, जो आपको बताएंगे आपका भविष्य और साथ ही साथ बताएंगे जीवन में आने वाली समस्याओं का हर समाधान। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जय माता दी।